जैन। दोस्तों सलाखों के पीछे की ये दुनिया यूं तो हमारी दुनिया में ही है, लेकिन हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जेल की अपनी एक दुनिया होती है और उसके अपने नियम कायदे कानून होते हैं। दोस्तों आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि क्या उम्र कैद 14 साल की ही होती है? क्या जेल का एक दिन 24 घंटे का नहीं लेकिन 12 घंटे का होता है? जेल का खाना वाकई में बहुत ही गंदा होता है? फांसी के पहले कौन कौन सी इच्छाएं हैं जिसे आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर सकते हैं, या फांसी देने के बाद जज पेन को क्यों तोड़ देते हैं? दोस्तों अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल हैं, तो पूरा देखिए इस वीडियो को और बने रहे द नॉलेज के साथ। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर बजा दें। दोस्तों जेल की पुलिस आम पुलिस से अलग होती है, उनके नियम भी थोड़े अलग होते हैं और वो राज्य सरकार के प्रशासन के अंडर में आते हैं। आमतौर पर हमें बाहरी दुनिया में जितनी पुलिस दिखती है उससे काफी कम पुलिस जेल में होती है, क्योंकि जेल के ज्यादातर काम कैदियों द्वारा किए जाते हैं। जेल में विविध हिस्से भी होते हैं जिसे बैरक कहा जाता है, जिसमें पुराने कैदियों के लिए एक अलग बैरक होता है और कुछ नए कैदी आते हैं उनके लिए भी अलग होता है। जो कैदी हफ्ते के लिए या 14-15 दिनों के लिए आते हैं उनके लिए भी एक अलग बैरक होता है। और दोस्तों फिल्मों में जो हम जेल के कैदियों की यूनिफॉर्म देखते हैं, ये यूनिफॉर्म उन्हीं कैदियों को दी जाती है जो लंबे समय के लिए जेल में रहने वाले हैं या जिनकी लंबी सजा निर्धारित हुई है। कम समय के लिए जेल में आने वाले कैदियों को कोई यूनिफॉर्म या उनको कोई नंबर नहीं दिया जाता। ज्यादातर जेल में सुबह उठते ही सारे कैदी इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद अपनी दिनचर्या की एक्टिविटी शुरू करते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जेल में कैदियों को एक एल्यूमिनियम की थाली में सूखी रोटी, सब्जी और मग में पानी दिया जाता है, लेकिन दोस्तों असल लाइफ की जेलों में ऐसा नहीं होता है। जेल में कैदियों को निर्धारित समय पर चाय, पानी, नाश्ता और खाना मिलता है, जिसमें सुबह 7 बजे चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में ब्रेड, परोठे, बिस्किट या दलिया भी हो सकता है। दोपहर में 12 बजे तक लंच मिल जाता है। लंच में रोटी, चावल, दाल और सब्जी मिलती है, और शाम को 6 बजे के आसपास डिनर मिलता है जिसमें करीब 6 रोटी, दाल और सब्जी दी जाती है, और ये सब खाना भी जेल के कैदी ही बनाते हैं। हाँ ये बात सच है कि जेल का खाना घर जैसा नहीं होता है, चाय में या दाल में पानी ज्यादा होता है या सब्जी इतनी टेस्टी नहीं होती है, लेकिन खाने में कैदियों के न्यूट्रिशंस का ख्याल रखा जाता है और ऐसा खाना दिया जाता है कि वो बीमार ना हो। अब टेस्ट की तो आप बात मत करो। इसके अलावा जेल के अंदर उसका खुद का अपना कैंटीन भी होता है, जहां पर कैदी अपनी जरूरत की चीजें भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जब कैदियों के परिवार वाले उन्हें मिलने आते हैं तब उनके लिए कुछ नाश्ता या खाना पीना ला सकते हैं। ये हर टाइम अलाउड नहीं होता है, लेकिन कुछ अचार जैसी चीजें या लंबे समय तक बिगड़े नहीं ऐसी चीजें वो कैदियों के लिए आमतौर पर लाया करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सरकार हर कैदी पर रोजाना 52.5 रुपए तक खर्च करती है। दोस्तों ये एक एवरेज आंकड़ा है और ये आंकड़ा विविध राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जिसमें नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, सिक्किम और कर्नाटक की सरकार उनके कैदियों पर ज्यादा खर्च करते हैं, और वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली की सरकारें उनके कैदियों पर कम खर्च करते हैं। कुछ जेलों में कैदी बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट से अलग परमिशन लेनी होती है, और कुछ जेलों में कैदी को उसके परिवार वाले खाना दे सकते हैं, लेकिन वो खाना 800 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके लिए भी कोर्ट से विशेष परमिशन लेनी होती है। दोस्तों अब आपके मन में अगर सवाल आया हो कि क्या जेल में पैसे चलते हैं, कौन सी करेंसी है जो जेल में चलती है, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार की मुद्रा जेल में नहीं चलती है, या कोई भी रियल करेंसी जेल में नहीं चलती है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जेल की अपनी ही करेंसी है जिसे कूपन कहा जाता है, और ये कूपन इसलिए रखी जाती है क्योंकि किसी कैदी को उसके घर वाले करेंसी या कुछ पैसे अगर दे दे तो वो पैसे जेल के छठे हुए बदमाश उससे छीन सकते हैं, और ये सब ना हो इसलिए जेल में कैदियों के पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है। ये कूपन 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए तक का मिलेगा, और आमतौर पर कैदी जेल में 2000 रुपए तक का ही कूपन रख सकते हैं। इन कूपन्स पे कैदी का नाम या उसका यूनिक नंबर होता है, जिस वजह से कोई और किसी कैदी की कूपन को यूज नहीं कर सकता। वैसे तो दोस्तों जेल में मोबाइल या सुख सुविधा की चीजें अलाउड नहीं होती है, लेकिन कोई VVIP पर्सन हो या अगर कोई पावरफुल या पैसे वाला बंदा हो तो उनके लिए वो अनऑफिशियली कई सारी चीजें उपलब्ध करवा लेते हैं। अगर कोई दोस्त, परिवार वाला या रिश्तेदार जेल के कैदी को मिलना चाहे तो उसको मिलने दिया जाता है। इसके लिए उस रिश्तेदार के पास उस कैदी का पूरा नाम और उसका जेल नंबर होना चाहिए। मिलने के लिए रिश्तेदार ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं या वहां जाकर पर्ची भी खरीद सकते हैं,
और कैदियों के मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक होता है। इसके अलावा दोस्तों जेल में स्टडी रूम होता है, लाइब्रेरी होती है जहां आपको पढ़ने लायक सारी पुस्तकें मिल जाती है। अगर कोई कैदी जेल में रहकर पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ना भी अलाउड किया जाता है और उसे इग्नू यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आगे बताया, जेल में हर एक काम कैदी करता है, जिसमें माली का काम होता है, खाना बनाने का काम होता है, साफ सफाई का काम होता है और वो सारे काम होते हैं जो कैदियों में बांट दिए जाते हैं। लंबे समय तक वहां रहने वाले कैदी ग्रुपिज्म कर लेते हैं और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों। जब कहीं पर भी दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो ग्रुपिज्म शुरू हो जाता है। ये चाहे बिग बॉस हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई कंपनी हो, मोहल्ला सोसाइटी या फिर जेल ही हो, तो वहां पर भी ग्रुपिज्म शुरू हो जाता है और विविध कैदियों के अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। दोस्तों जेल में कुछ छोटी बड़ी कंपनियों के भी काम होते हैं, यानी कि सिलाई का, कुछ कपड़े बनाने का, कुछ लकड़ी की चीजें या फर्नीचर बनाने का, या कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसे जेल में क्रिएट किया जाता है और वो प्रोडक्ट बाहर बेचने के लिए जाती है। गुजरात के अहमदाबाद में भी एक साबरमती जेल है जिसके कैदी भजिए बनाते हैं और वो भजिए बाहर बेचे जाते हैं, और जहां पर ये भजिए बेचे जाते हैं उसे जेल के भजिए भी कहते हैं। गुजराती में भजिया कहा जाने वाला ये वर्ड असल में पकौड़े की ही एक जात है, और ये सारे काम ज्यादातर उन कैदियों को ही दिए जाते हैं जो डिसिप्लिन में हो, बहुत पुराने हो और ट्रस्टेड हो, और जो कैदी जेल में काम करते हैं उन्हें कुछ अच्छे फैसिलिटीज मिलती है। अभी दोस्तों कुछ लोग ये मानते हैं कि जेल में एक दिन 24 घंटे का नहीं लेकिन 12 घंटे का होता है, यानी जेल का एक साल यानी हमारे 6 महीने। दोस्तों वास्तव में ये एक मिथ है, बहुत पुराने समय में ये कानून था लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जेल का एक दिन 24 घंटे का ही होता है, और अगर किसी को एक साल की सजा सुनाई जाए तो उसका एक साल यानी 365 दिन ही होते हैं। एक मिथ दोस्तों ये भी है कि उम्र कैद को हम 14 साल की सजा आमतौर पर मानते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। उम्र कैद यानी कि पूरी लाइफ टाइम तक की सजा, लेकिन संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर चाहे तो इस उम्र कैद को 14 साल के बाद कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से खत्म कर सकते हैं, इसीलिए ये मिथ बन गया है। बाकी उम्र कैद यानी पूरा लाइफ प्रिजेंटमेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जज जब फांसी की सजा सुनाता है तो उसके बाद वो कलम तोड़ देता है। तो दोस्तों जज कलम को इसलिए तोड़ता है क्योंकि ये एक अल्टीमेट सजा है। इसके जरिए जज इस बात का संकेत देता है कि इस सजा को लिखने के बाद इसे अब मैं भी चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर फुल स्टॉप लग जाता है और कलम को तोड़ दिया जाता है। हालांकि आज के युग में जजमेंट कंप्यूटर और टाइपराइटर पे टाइप होते हैं, लेकिन उसके बाद जज को उसके ऊपर हस्ताक्षर करना होता है। अब मृत्यु की सजा में जज हैंड टिल डेट लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक मिथ है। माना जाता है कि इतिहास में एक घटना हुई थी जब किसी आदमी को फांसी पे लटकाया गया था और किसी कारण कुछ सेकंड तक वो मरा नहीं, इसलिए उसके वकील ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इसके प्राण निकल जाए तब तक इसे लटकाए रखना, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। अब वकील लोग ऐसे ही किसी कायदे की विंडो को ढूंढ लेते हैं, एक्चुअली वही उनका काम होता है। और इस वकील की ऑब्जेक्शन वाली स्टोरी कितनी सच है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ ना हो इसलिए जज लिख देते हैं कि हैंग टिल डेट, यानी कि ये मर ना जाए तब तक लटकाए रखो। और जब किसी व्यक्ति को फांसी पे लटकाया जाता है तब एक मैजिस्ट्रेट, एक डॉक्टर और एक वकील वहां पर रहता है। ऑफ कोर्स जल्लाद भी वहीं पर ही होता है, और जब तक डॉक्टर कैदी को मृत जाहिर ना कर दे तब तक उसे लटकाया जाता है। जब किसी कैदी को लटकाया जाता है उसके पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, और इन आखिरी ख्वाहिश में कुछ उसके पसंदीदार खाने पीने की चीजें हो सकती है, उसके रिलीजन की या किसी धार्मिक किताब हो सकती है जो वो पढ़ना चाहे, या फिर उसके किसी रिश्तेदार को मिलने दिए जाने की परमिशन हो सकती है। इसके अलावा उसकी आखिरी ख्वाहिश में कुछ और नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।